अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में बुधवार को फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दिनेश झा ललन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में बैंक क्षेत्र में ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि यह कमी बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों को बैंक ऋण के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है, जो सरकार की योजनाबद्ध योजना है। सरकार कर्ज माफ करने की जगह पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। बिहार राज्य फेडरेशन ऑफ बैंक स्टाफ यूनियन के महासचिव कुमार प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उनकी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ और राष्ट्रीयकरण को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि वे लोग लगातार ठेका प्रथा का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी इन मांगों पर अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में वे लोग आंदोलन पर भी जाने का काम करेंगे। ये फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक राजगीर में संपन्न हुई। इस बैठक में हम लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कर्मचारियों की भर्ती की मांग, शाखाओं को खोलने की मांग और जो अन्य कर्मचारी से संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और प्रबंधन तथा सरकार के रवैये को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। देशव्यापी आंदोलन हम लोग जल्द से जल्द उसकी रूपरेखा तय करके और यदि प्रबंधन की का सकारात्मक कुछ जवाब नहीं आता है तो हम पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर भी जाएंगे, ये फैसला हम लोगों ने लिया है। सरकार की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या पूरे देश में चल रहा है, सरकार क्या चाहती है। सरकार एक ही चीज़ चाहती है कि पूरे देश में पूंजीपति व्यवस्था लागू हो जाए और सामंतशाही लोगों का कब्जा हो जाए। तो आप समझिए ना कि देश कहाँ जाएगा, क्या होगा उन लोगों का। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस सब स्टाफ की बहाली के लिए, क्लर्कों की बहाली के लिए, कम होते ब्रांचेस के लिए, निजीकरण के लिए और आदि तमाम मुद्दे को हम लड़ रहे हैं। चेतावनी की भी हड़ताल पर भी जा रहे हैं। चेतावनी तो जैसा हमारे फेडरेशन के महासचिव ने आपको बताया ही कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और हम लोग हड़ताल पर जाएंगे।